संजू सैमसन वर्सेस ऋषभ पंत, जब से T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया का स्क्वाड जो है वो अनाउंस हुआ है, तब से हर कोई बस ये जानना चाहता है कि प्लेइंग 11 में क्या दोनों को जगह मिलने वाली है, या अगर नहीं मिलती है तो किसको जगह मिलेगी। बहुत सारे लेजेंड सामने आए थे, किसी का मानना है संजू सैमसन, किसी का मानना है ऋषभ पंत। हरभजन सिंह अब सामने आए हैं जिनका कहना है कि संजू सैमसन को जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो अभी वो इंजरी से उठ के आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये टीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। बिल्कुल, हम एक काम करते हैं, फटाफट जो है वो स्टैट देख लेते हैं और पता चल जाएगा कि किसे टीम में होना चाहिए। हालांकि अल्टीमेटली फैसला जो है वो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ करते हुए नजर आएंगे। 446 रन जो है वो ऋषभ पंत ने बनाए हैं 2024 IPL में, 13 इनिंग्स के लिए एक मैच में वो बैन रहे थे। जहां तक संजू सैमसन की बात है तो 504 रन इन्होंने बनाए 14 इनिंग्स के अंदर, और इनकी टीम अभी चूंकि प्लेऑफ में है तो एक दो मैच और एक्स्ट्रा खेलने को मिलेंगे। बिल्कुल, और मेरा ऐसा भी मानना है कि अगर ऋषभ पंत को आगे खेलने का चांस मिलता तो शायद और बेटर परफॉर्मेंस निकल के आती और संजू सैमसन को टक्कर देते हुए नजर आते। हरभजन सिंह का कहना है, ऋषभ पंत प्लेड वेल इन द IPL, ही हैज कम आउट ऑफ हिज इंजरीज, ही लुक्ड फिट, बैटेड वेल एंड डिड सम नाइस विकेट कीपिंग। बिल्कुल, और जहाँ तक संजू सैमसन की बात है तो उन्होंने कहा है कि एक मौका जो है वो उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। पहले जो है वो 30-40 में नज़र आते थे, यानी कि 30 रन बनाए, 40 रन बनाए और संजू सैमसन आउट हो जाते थे, लेकिन अब जो है वो 60-70 के आसपास पहुँच रहे हैं और अपनी टीम को जिता रहे हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऋषभ पंत को वापस टीम इंडिया में ले तो आए हैं, लेकिन फील्ड में उतारने में कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी इंजरी से उठ के आए हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि टीम इंडिया को बहुत अच्छे और फॉर्म में जो खेल रहे हैं प्लेयर्स, उनकी ज़रूरत है, तो अगर अब उनको मौका नहीं देंगे खेलने का तो कब देंगे। वही सोशल मीडिया की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर भी पंत वर्सेस संजू की डिबेट जो है वो लगातार चल रही है, और टॉप 10 ऐसे कैप्टन जो है वो बताए गए हैं, मतलब रेटिंग वाइज कि कौन से अच्छे हैं और कौन से बेकार हैं। तो 10वें और 9वें नंबर पर हार्दिक पांड्या और KL राहुल नजर आ रहे हैं, जिनकी कप्तानी में कुछ खास टीमें भी नहीं कर पाई और वो खुद भी एज अ कप्तान अच्छा नहीं कर पाए। बिल्कुल, और इस लिस्ट में हम वर्स्ट से लेके बेस्ट तक आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको बता दूं कि 8वें नंबर पे हैं ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के। कहीं ना कहीं बॉलर्स की अगर हम बात करें तो कोई खास बॉलिंग नजर आई नहीं थी, और डिसीजंस भी कहीं ना कहीं मैचेस में ऐसे लिए थे ऋषभ पंत ने जो क्वेश्चनेबल थे। बिल्कुल, कई रिव्यू जो है वो उन्हें सुनाई नहीं दिए, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आई थी। इसके बाद 7वें नंबर पर ऋतुराज गायकवाड का नाम आता है, जो राइजिंग कैप्टन थे, उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, वैसा हुआ नहीं। अगर 5वें नंबर की बात करी जाए, माफ कीजिएगा, 6वें की बात करी जाए तो यहाँ पर शुभमन गिल नजर आ रहा है। बिल्कुल, और उसके बाद 5वें नंबर पर है RCB के फाफ डू प्लेसिस, 4थे नंबर पर है पंजाब किंग्स के सैम कुरन, उसके बाद आते हैं KKR के श्रेयस अय्यर, दूसरे नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन। कैप्टनसी के मामले में संजू सैमसन जो है ऋषभ पंत से कई ज्यादा आगे नजर आते हैं, और नंबर 1 पे नजर आ रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के पैट कमिंस। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं, और हरभजन सिंह ने और क्या क्या बातें कही अपने इंटरव्यू में वो बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ये वर्ल्ड कप की टीम जो है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो फास्ट बॉलर है वो कम है, अगर वो एक्स्ट्रा होता तो इंडिया जो है वो और ज़्यादा मजबूत नज़र आती। हालांकि अभी मैच नहीं हुए हैं तो सब अपनी अपनी प्रेडिक्शन जो है वो दे रहा है। बिल्कुल, और उन्होंने फास्ट बॉलर्स को स्पिनर्स को लेके भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा, आई थिंक सिलेक्टिंग 4 स्पिनर्स इज अ बिट टू मच, 3 वुड हैव बीन इनफ, आई विश द टीम इंडिया इज ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, वो ये कह रहा है कि अगर रिंकू सिंह को जो है वो शामिल कर लिया जाता है, यानी कि 3 स्पिनर होते, एक रिंकू सिंह होते, क्योंकि वो 20 बॉल में आपको 40 रन बनाकर भी दे सकते हैं, और पिछले अगर एक साल में हम देखें तो लगातार रिंकू सिंह यही तो प्रैक्टिस कर रहे थे कि उन्हें फिनिशर का रोल निभाए, वो अच्छे से निभाएं, और बड़े बड़े लेजेंड जो है वो उनकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन रिंकू सिंह का इस टीम में ना होना बहुत ज़्यादा फैंस के लिए सरप्राइजिंग रहा है। बिल्कुल, और अगर हम बात स्पिनर्स की करते हैं तो उनका ऐसा मानना है कि हमने प्लेइंग 15 में मे बी अगर 4 स्पिनर्स लिए हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में 4 स्पिनर्स होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कहते हैं, आई डू नॉट थिंक वी विल एवर प्ले 4 स्पिनर्स इन अ गेम। रविंद्र जडेजा मे प्ले, मे बी कुलदीप यादव, मे बी युजी चहल विल विद हिम, मे बी वी विल फील 3 स्पिनर्स इन अ गेम, वी विल गेट टू नो द कॉम्बो ऑन सीइंग द कंडीशंस। चलिए देखते हैं कि कौन खेलता है कौन नहीं खेलता है। और जहाँ तक सुपर 8 की बात है तो उन्होंने कहा है कि जो असल गेम है वो सुपर 8 में शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड मिलेगी, यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगी, इंग्लैंड मिलेगी और साउथ अफ्रीका के संग वो टीमें मिलेंगी जो कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा चैम्पियन टीमें हैं। बिल्कुल, और साथ के साथ पाकिस्तान को लेके उनका कहना है कि इतना कॉन्फिडेंस तो है टीम इंडिया को कि जब भी पाकिस्तान से भिड़ेगी हार के वापस नहीं आएगी, जीत कर ही वापस। कह रहे हैं, आई एम श्योर वी विल विन अगेंस्ट पाकिस्तान, वी हैव अ ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट देम एंड हैव अ बेटर टीम।
जहाँ तक वर्ल्ड का रिकॉर्ड्स की बात है तो ये जो है वो कहा जाता है रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, तो बनते इसलिए हैं कि ताकि उन्हें तोड़ा जा सके। तो और जहाँ तक टी20 वर्ल्ड कप की बात है, इंडिया एक मैच गवा चुका है 2022 वर्ल्ड कप पर। अगर हम नजर डालें तो विराट कोहली अगर वो हारिस राव पर सिक्सेस ना लगाते तो वो मैच भी हम हार सकते थे। तो उम्मीद यही करेंगे कि इंडिया की बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ अच्छी रहेगी, कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा और फाइनल 11 क्या होगी ये तो मैच डे वाले दिन पता चलेगी। लेकिन बाकी आपको अगर चीज़ें जाननी हैं तो क्रिकेट इन कनेक्ट के संग जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए इसी तरह से वीडियोज़।